बॉलीवुड फिल्म पृथ्वीराज को लेकर राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गलत तथ्यों के साथ किसी भी फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर से बातचीत हो रही है, उन पर दबाव भी बन रहा है। उन्होंने कहा, हम मजबूती के साथ हमारी बात रखेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजपूत समाज सामाजिक, प्रशासनिक, राजनैतिक और आर्थिक तौर पर मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। राजपूत कर्णी सेना अपना काम कर्तव्य और धर्म समझकर करती है और करती रहेगी। उन्होंने कहा, हम छोटे बड़े काम में राजपूत कर्णी सेना का सहयोग दें और सहयोग ले वाली धारणा उनके लिए प्रमुख है। मंथन चल रहा है और उस पर काफी मजबूती से उस पर प्रतिवाद भी दे दिया गया है। अब देखें, मर्जी तो डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की होती है, उन्हीं की अनुसार होता है वो सब कुछ। थोड़ा बहुत कुछ दबाव पड़ा भी है, आगे देखते देखते समाज निरंतरता के साथ में, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे प्रशासनिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, पूरी मजबूती से खड़ा होने का काम कर रहा है। और श्री राजपूत कर्णी सेना का भी काम उसी में सहयोग करने का है। हम कर भी रहे हैं, हर मुद्दे पर करते हैं। अब आजकल नाम है या बदनाम है, अब श्री राजपूत कर्णी सेनाएं ही है, और भी कोई करते हैं अच्छी बात है, पर कम से कम हम तो हमारा कर्तव्य और धर्म